बुधवार तड़के से जिले भर में हुई झमाझम बारिश से जलभराव और कीचड़ हो गया है। तापमान लुढ़कने से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। सब्जियों को छोड़ अन्य सभी फसलों को खासा फायदा हुआ है। कई मोहल्लों की बिजली गुल रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव की वजह से भी कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश का लुत्फ उठाया तो कई मोहल्लों में भी पानी भरा देखा गया। आपको बताते चलें, फतेहगढ़ के मोहल्लों में भी कुछ पानी भरा गया। जो मोहल्ले फतेहगढ़ के गंगा किनारे सटे हुए हैं, उन मोहल्लों में जलभराव की स्थिति देखी गई। लगातार करीब घंटों से हो रही बारिश के बाद फतेहगढ़ के मोहल्ला सिविल लाइन मढ़िया, जो कि वार्ड नंबर 9 में आता है, उसमें काफ़ी जलभराव होने की स्थिति देखी गई। तस्वीरों में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह मोहल्ला फतेहगढ़ का सिविल लाइन मोहल्ला है और ये जो फतेहगढ़ का गरैया खारे मंदिर है उसके पास स्थित है। इस मोहल्ले में काफ़ी जलभराव हो गया है और यह मोहल्ला, आपको बताते चलें, गंगा के किनारे स्थित है। इस कारण गंगा का जो जलस्तर जिस प्रकार बढ़ रहा है, उसी के कारण इस मोहल्ले को भी जलभराव के कारण से जूझना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, काफ़ी घुटनों तक पानी इस मोहल्ले में भरा हुआ है। अगस्त माह की शुरुआत के बाद करीब 13 दिन तक बारिश का इंतजार करना पड़ा। मंगलवार को शुरू हुई रिमझिम बारिश बुधवार तड़के झमझम हुई। रुक रुक कर बरस रहे मेगा की वजह से शहर के तलैया, फजल इमाम, स्टेट बैंक, कड़ी, अड़त्यान, भुइयां समेत कई फतेहगढ़ के भी मोहल्ले गलियों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। आपका मोबाइल पहुंचा।